राजस्थान की बात करें तो अभी तक 54 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। अजमेर में भी एक मामला सामने आया है। अजमेर में ये पहला मामला है। वहीं भीलवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित है पूरे प्रदेश में। आज यहां पर दो नए और मामले सामने आए हैं। जयपुर में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। रामगंज में एक मामला परसों रात को सामने आया था, कल एक और सामने आया और वहां पे अब कर्फ्यू लगाया गया है। इन सारी बातों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी नीरज मेहरा। जी नीरज, जयपुर में कर्फ्यू आखिर 7 थाना क्षेत्रों में लग ही गया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफी मानना था कि ऐसी पोजीशन ना आए। क्या कहेंगे आप? देखिए रखी, सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार मुख्यमंत्री इस बात पर दोहरा रहे थे कि आप अपने आप को घरों में रखें, घरों में कैद रखें और कर्फ्यू जैसा बर्ताव करें, जी लेकिन इसके बावजूद लोग माने नहीं। और जिस तरह से रामगंज बाजार में जो पॉजिटिव मरीज पाया गया है जी उसको मेडिकल विभाग ने पहले ही कह दिया था कि आप चिकित्सा व्यवस्था लें, लेकिन उसके बावजूद वो माना नहीं और लगातार कई लोगों से मिला, एक के बाद एक वो जी कई लोगों से मिला। और यही कारण है कि वहां पर पूरे रामगंज बाजार के चक्कर में जयपुर के 7 थाना इलाकों में पूरा कर्फ्यू लगा परकोटा दिया कुल गया। मिला के अपन कह सकते हैं। और सबसे बड़ी कारण है कि वो मस्जिद में भी गया, नमाज पैदा की और सैकड़ों लोगों से मिला, यानी 150 लोगों को तो चिन्हित किया गया है। जिन लोगों से मिला है और वो 150 आगे किससे मिले हैं? वो 150 लोग कितने लोगों से मिले हैं, तो जी तमाम। और सबसे बड़ी बात है कि जो 53 लोगों की लिस्ट जो जारी की थी पुलिस ने पहले, जी वो सभी लोग वो थे जो अलग अलग इलाकों से। तो सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती ये है कि जयपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी पहले पॉजिटिव मरीज से मिले हुए हैं। जी ऐसे में पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि जो जो लोग उन दोनों पॉजिटिव मरीजों से मिले हैं उनकी जांच पड़ताल करें, उनका टेस्ट कराएं और वो जब नेगेटिव पाए तो उनको फिर रखा जाए, ताकि कहीं ना कहीं वो अगर पॉजिटिव हो गए तो पूरे शहर के लिए व्यवस्था खराब हो सकती है। क्योंकि जो लक्षण है वो करीब 12-13 दिन 14 दिन बाद आते हैं, तो अभी हो सकता है नेगेटिव रिपोर्ट है, इन कुछ दिन बाद देखिए उसमें लक्षण आ जाए भले ही सामने। रिपोर्ट नेगेटिव आए, लेकिन जब जी तक का देखा गया है, आइसोलेशन में उनको रखा भीलवाड़ा जाएगा। की आप बात करें जी तो वहां पर भी, क्योंकि शुरुआत में लोगों की सबकी रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन धीरे धीरे करके 22 लोग पॉजिटिव पहुंचे हैं। जी ऐसी स्थिति में यहाँ पर राज्य जयपुर की बात करें तो पहले एक ही मरीज पॉजिटिव आया था, लेकिन जब उसके दोस्त को जांच किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसे ही ये तुरंत नहीं कहा जा सकता कि आप 14 दिन में नेगेटिव आपको पॉजिटिव आ जाएगा, 14 दिन जी बाद में भी इसका असर देखा जा सकता है। जी तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या बड़ी खड़ी हो गई है और यही कारण है कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालांकि सरकार प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, सबसे बड़ी जी बात मैं व्यवस्था की बात बताऊँ तो यहाँ व्यवस्था बड़ी अच्छी कर दी है कि कर्फ्यू के दौरान वहाँ पे सब्जी और जो किराना का सामान है वो उनको लोगों को घर बैठे मिल जाएगा, तो उस तरह से लोगों को परेशानी का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब तक उस पूरे इलाके की स्क्रीनिंग नहीं हो जाती है, लोगों की जांच नहीं हो जाती है, तब तक उन लोगों को कर्फ्यू में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्फ्यू कर्फ्यू होता है। और देखिए उस समय क्योंकि पुलिस बिल्कुल नहीं सुनती है, जी पुलिस का काम सीधा अगर कोई बाहर निकल रहा है बेवजह पकड़ा जाता है तो सीधा उसको अरेस्ट करती है, उसकी पिटाई भी करती है। जी हालांकि इससे पहले जो घरों में रहने की बात की गई थी जी तो उसमें यह था कि लोग घरों में रह सकते थे, लोग अपना सामान भी ले रहे थे। अब कम से कम बिना पुलिस की अनुमति के कोई कुछ नहीं कर सकता है, यानी कोई जाएगा तो भी पुलिस की अनुमति जाएगा, कोई किसी को दवा भी लेनी है तो पुलिस के बिना बताए वो नहीं जा सकता है। जी तो और अगर यहाँ पे ये मरीजों की संख्या और बढ़ती है तो जयपुर के आसपास के जो इलाके, परकोटा के बाद में बाहरी इलाका, क्योंकि ये जो मरीज पॉजिटिव पाया गया है इसके संपर्क जयपुर के परकोटे के अलावा बाहरी इलाकों में भी लोगों से हुए हैं, जी उनकी भी सूची पुलिस ने मंगा ली है, उनसे भी जांच पड़ताल की जा रही है, उनकी भी जांच की जा रही है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तय करेगी कि उनके उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनको कहीं ना कहीं उनका मेडिकल जांच किया जाए और वो किन लोगों से मिले हैं। तो ये बड़ी चैन बन जाती है एक तरह से, इसीलिए ये बड़ा चुनौती का काम है। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा था कि मैं नहीं चाहता कि कर्फ्यू लगाऊं, लगाना पड़े, लेकिन लोगों ने मजबूर कर दिया, लोगों ने माना नहीं। और जिस तरह से रामगंज में आपने देखा ही है किस तरह से उनके साथ परिजनों के साथ कितने लोगों ने मुलाकात की, हजारों लोगों से मुलाकात कर ली। आप सोच सकते हैं वो ओमान से आए थे, तो ओमान से आए थे जितने रिश्तेदारों को पता लगा सब उनके समाचार लेने आ गए, मिलने आ गए, और उन्होंने खुद ने कहा कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं जो है मेरी ठीक हूँ, रिपोर्ट मेरी जांच नेगेटिव हो गई, आई है। क्योंकि मुंबई और दिल्ली में जो जांच हुई थी नेगेटिव आई थी, लेकिन जयपुर में जो जांच आई थी पॉजिटिव आई थी। तो आप सोच सकते हैं एक ही व्यक्ति की 3 रिपोर्ट आ गई, तो वो आदमी फिर वो लोगों ने, और फिर अभी लोगों में डर भी नहीं था, लेकिन जब ये रामगंज वाला मामला हुआ तो लोगों में डर जरूर बैठा है आज, और लोग उसका असर सावधानी बरतते जयपुर के बाहरी इलाकों में भी देखा जा रहा है। अधिकतर सड़कों पर मैं जो कई दिन से लगातार आ रही थी तो मुझे फिर भी
थोड़ा रश दिखता था, कुछ गाड़ियां दिखती थी, लेकिन आज नीरज जी मैं आपको बताऊं, जब मैं घर से ऑफिस के लिए आई तो मुझे सड़कें बिल्कुल सुनसान दिखाई दी। वाकई कई सड़कों पे तो ऐसा लगा कि जैसे कर्फ्यू का सा माहौल है। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि अब वही लोग सड़क पे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं या तो आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए हैं, या जिसको कोई रोजमर्रा की आवश्यकता पड़ रही है, किसी को किराने का सामान लेना, क्योंकि वो किराने का सामान उसको किराने की दुकान तक लेना ही पड़ेगा, मेडिकल की शॉप पे वो जा रहा है कि उसको दवाई चाहिए, है ना। और इसके अलावा जो क्योंकि अब क्योंकि राजस्थान सरकार ने जिस तरह रात को आदेश दिए, आटा दाल और तेल मिलों को आज से खोलने के आदेश दे दिए, क्योंकि लोगों तक जब घरेलू सामान आवश्यक वस्तुएं पहुंचेगी तो जो कालाबाजारी की जिस तरह के आरोप लग रहे थे, और कम से कम मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को भी, राजस्थान में ये स्थिति नहीं आई है। राजस्थान में कहीं भी जाओ आपको किराने का सामान मिल रहा है। जयपुर शहर राजधानी में अगर एक दिन का कर्फ्यू लगता था तो सब्जियों के भाव दुगने हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे आज शायद 21वें दिन लॉकडाउन का में से आज चौथा दिन है, और मुख्यमंत्री जिनसे पहले ही लगा रखा था, उसके बावजूद भी यहाँ सब्जियां आज उसी रेट में मिल रही है, किराने का सामान भी उसी रेट में मिल रहा है। और जब ये मिलों को खोलने के आदेश दे दिए, आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण यानी कि वस्तुओं की बनाने वाली मिलों के फैक्ट्रियों को खोलने के आदेश दे दिए, उनके वितरण के आदेश दे दिए, तो दोनों चीजों के आदेश होने से जो अभी लग रहा था डर कहीं ना कहीं भाई आटा महंगा हो सकता है, क्योंकि लोगों ने पहले दिन 300-400 रुपए किलो तक आटा बेचा, मतलब 300-400 रुपए 10 किलो आटा बेचा। आप सोच सकते हैं कि 10 किलो आटा जो 26 रुपए किलो का आटा है, 10 किलो 260 रुपए का आना चाहिए, वो 400 रुपए तक बेचा, तो यानी लोगों ने मोटा मुनाफा कमाया। लेकिन अब ये स्थिति का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा, और आपने सही कहा, बाहरी इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा है, लोगों में डर बैठ गया, उन लोगों को लग रहा है कि हम बाहर निकलेंगे बेवजह किसी बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, इसलिए घर में रहो, सुरक्षित रहो। लेकिन फिर भी आप समझते हैं पुलिस की थोड़ी सख्ती नजर आती है तो लोगों में डर ज्यादा रहता है, तो बाहरी इलाकों में जो जयपुर में कर्फ्यू लगाया है उसका असर वाकई में देखने को मिल रहा है। नीरज जी, अगर हम एक सामंजस्य की बात करें पुलिस का, प्रशासन का, स्वास्थ्य सेवाओं का, उस सामंजस्य को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए राजस्थान में अभी बेहतरीन तारतम्य है, सामंजस्य है, और जिस तरह से यहाँ भामाशाह बिल्कुल सामने आए मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, अपील पर, जिस तरह लोगों ने खुलकर यहाँ दान किया, लोग लगातार जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो पुलिस थानों के माध्यम से वितरण हो रहा है। सबसे बड़ी बात राखी जी क्या होता है कि जब कोई दान देता है, वो देना चाहता है, लेकिन सही हाथों तक नहीं पहुंचे तो उसका उपयोग नहीं होता। अब देखा, और अपने ऑफिस के बाहर कल सुबह भी पुलिस की गाड़ी आई, आज सुबह भी गाड़ी आई, कल शाम को भी गाड़ी आई, अनाउंस किया जा रहा था कि कोई श्रमिक हो, मजदूर हो, या कोई कर्मचारी जिस तक भोजन नहीं पहुंचा हो, हमारी गाड़ी तक आए, भोजन ले जाए। आप सोच सकते हैं कितनी व्यवस्था की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और इनके बीच का तालमेल है जो बहुत बेहतरीन साबित हो रहा है। सबसे बड़ी बात है पुलिस जहाँ खड़ी भी है, अगर वो प्रेस की गाड़ी देखती है तो पूछती है, कार्ड पूछती है, कार्ड मांगती है, प्रेस लिखा हुआ देखती है उसको जाने देती है। मेडिकल का कोई स्टाफ है वो अपना आई कार्ड दिखाओ जाता है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फास्ट पास बनवाने की इनके पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे दी हो, पास के लिए धक्के खा रहा हो, या किराना स्टोर वाला है वो कह रहा है मेरे गाड़ी में किराना का सामान रखा है, तो पुलिस उसे जाने दे रही, तो मतलब कहीं पैनिक पैदा नहीं हो रहा, और जनता को आसानी से जो सामग्री है, खाद्य सामग्री की सबसे बड़े संकट खड़ा होता है वो आसानी से मिल रहा है, तो अभी कहीं लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। लोग जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके सामने जरूर संकट खड़ा होने वाला है, और आने वाले एक दो दिन बाद में और ज्यादा संकट खड़ा होगा। राखी जी, लेकिन नीरज जी, मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि सरकार ने ये अपील करी कि आप घर में रहिए, लेकिन वो पूरी अपनी जिम्मेदारी तो निभा ही रही है, आपको जिस चीज की जरूरत है वो पहुंचेगी, लेकिन ये पब्लिक को भी मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये समय मुश्किल का है, कि थोड़ा तो कटौती में हमें गुजारा करना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हम छोटी छोटी चीज लेने के लिए घर से बार बार बाहर जाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सबसे बड़ी समस्या मध्यम वर्ग के सामने समस्या थी जो किस्तों वाली, तो वो सरकार ने हल कर दी जी, उसको उसके वो नहीं है, जो कर्मचारी उनके लिए सरकार ने पैसे दिए, उनके लिए सरकार ने पैसे दे दिए, लेकिन जो सबसे बड़ा जो निम्न वर्गीय तबका होता है, गरीब आदमी है, उनके पास 2-4-5 दिन का राशन होता है, उनके लिए भी पेंशन की बात करी है राज्य सरकार ने, उनको पेंशन दी जाएगी, उनको भी भूखा सबसे बड़ी बात है, एक व्यक्ति को भी रहने दिया जाएगा। ये जो 15 दिन है, 14 दिन जो रहेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने उन लोगों तक खाना पहुंचाने की है। अभी तक खाना जो पहुंच रहा है, अभी तक जरूरत नहीं थी इस चीज की, लेकिन अब उन लोगों तक, क्योंकि जो श्रमिक है, मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है,
उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। जिस तरह लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, राजस्थान से लोग पलायन नहीं कर रहे, राजस्थान के जो लोग थे बाहर रह रहे थे वो पलायन करके राजस्थान में आ रहे, लेकिन राजस्थान से लोग बहुत कम पलायन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता इस बात की है कि जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोजमर्रा कमा कर खाते हैं, चाहे फेरी वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे बूथ पॉलिश वाला हो, चाहे पेट्रोल पंप पे काम करने वाला हो, चाहे कोई और अन्य हो, तो उन लोगों के पास अब जो पैसा है ना वो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। अब उनके लिए राशन की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है और सरकार इस क्षेत्र में प्रयास भी कर रही है, लगातार कोशिश भी की जा रही है, भामाशाहों के माध्यम से भी की जा रही है, जिला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी की जा रही है। देखना यह है कि क्या वास्तव में जो जरूरतमंद है उनकी आवश्यकताएं पूरी होती है। हालांकि लोगों को आपने सही कहा, लोगों को अपने आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ेगी, अपने शौक में कटौती करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद है उनका सहयोग करना पड़ेगा। जी चलिए, इन सारी बातचीत के लिए और अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। ये थे नीरज मेहरा हमारे साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम यानी मानव प्रजाति कोरोना से अधिक घातक बीमारियों से लड़कर जीत चुके हैं, जैसे सॉर्स और इबोला। भले ही इनका एक निश्चित और परमानेंट इलाज विकसित नहीं हुआ हो, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सतर्कता के बल पर हम इन्हें रोकने में कामयाब रहे। अब हमें कोरोना वायरस को हराना है। साथ ही आपसे एक गुजारिश है, घर में ही रहिए और घर में ही रहिए। ये मुश्किल समय है, थोड़ा गंभीर होने का समय है। बेशक लॉकडाउन में जरूरत के सामान की दुकानें खुली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बार बार घर से बाहर निकलने की छूट मिल गई। थोड़ा कटौती में गुजारा करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप सब में से बहुत लोगों का डेली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी आस्था के केंद्र जाने का नियम हो, जिसकी आप इन दिनों पालना नहीं कर पा रहे। मेरा आपको एक छोटा सा सुझाव है, सावधानी के साथ किसी जरूरतमंद को खाना खिलाकर आप अपने इष्ट को याद करें, बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन फिर कहूंगी, सावधानी के साथ, कई भलाई के चक्कर में कोरोना को घर मत ले आना। नमस्कार।